इन्हीं में से, इन जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, राइट? जरूरी नहीं कि यही डिट्टो यही आएंगे, बट इन जैसे क्वेश्चंस आएंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो राइट डाउन, लिखते चलना है फटाफट से. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, डू दीज 5 क्वेश्चंस, लिखते चलो. नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, पहले करो, एंड उसके बाद देन आई विल आस्क द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल. राइट डाउन क्वेश्चंस ऑल्सो. बातें बिल्कुल भी नहीं. 8th A स्टूडेंट्स, बेटे कॉपी खोलो, लिखना शुरू करो, टाइम नहीं है हमारे पास. आंसर साथ साथ लिखते रहना है. दिस सिंपल, यू नो. आई एम सॉरी. लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विच मूव्स इन द यूट्रस एंड इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, एंड इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. So now, 7th A, 7th A में आ जाइए. निहारिका, निहारिका, प्राची, प्राची वन, निहारिका, प्राची वन, सपना एंड अमानत प्रीत. 8th A के ये स्टूडेंट्स आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भागकर. बोलो, पहले देखें आपका माइक वर्किंग है, स्पीक ऑन द माइक. हेलो, हाँ जी बेटा, बोलो. फर्स्ट बताइए, नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल, जल्दी से. बॉयज आपने नहीं बताना, लेट हर टेल. हाँ जी बोलो. ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस, एंड फीमेल्स में ओवरीज,
ओवरीज, ये लड़के बेटा अगर लड़के बताएंगे तो आप क्या लिखोगे पेपर में, है ना? बॉयज ने बताया, पहले बताओ यस और नो, है ना? ये अपना करना है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? इधर देखो बेटा, सारे इधर, एवरीबडी हियर ऑन द स्क्रीन, माइंड में लिखना है। 8th G, मिडल रो बॉयज, थर्ड बेंच, कहाँ ध्यान है? छोड़ दो, इधर देखो स्क्रीन पे। व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोस विच प्रोड्यूस, यस, 8th E में से कोई मुझे बता रहा है, यस, टेल मी। अभी गर्ल्स आपने यही रुकना है। हाँ, गैमेट्स बिल्कुल ठीक है, विच प्रोड्यूस गैमीट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द गर्ल हैज गिवन मी द राइट आंसर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स, इट इज टेस्टिस बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड फीमेल इट इज ओवरीज बिकॉज इट प्रोड्यूस एग्स, राइट? सो क्वेश्चन मे कम, व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स। लिख लो यहाँ पे साथ में, एक तो ये आंसर लिख लो, सेकेंड इसके साथ लिख लो, व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? यू गो एंड द सेकेंड गर्ल शुड कम, यस। व्हाट आर देयर फंक्शंस? फंक्शंस तो हम बता चुके हैं, यस, टेल मी व्हाट आर देयर फंक्शंस? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एंड फंक्शंस ऑफ ओवरीज इज टू प्रोड्यूस एग्स. यस, व्हाट आर देयर फंक्शंस? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, वेरी गुड बेटा, चलो, एंड ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। नेक्स्ट गर्ल, नेम द डक्ट्स इन, यस, शी इज एब्सेंट. ओके, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8th B में से, 8th B में से भी आ जाइए, प्रीत, उपासना एंड धैर्य। प्रीत, उपासना एंड धैर्य, जल्दी से। यस मैम. हाँ जी बेटा, फर्स्ट बताइए, नेम द डक्स इन मेल्स, ये मेल है एंड दिस इज फीमेल, विच कैरी गैमीट अवे फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स, यस, टेल मी। मैम वास्ट डिफरेंस इन मेल्स इट इज वास डिफरेंस, फीमेल्स में, वेरी फेलोपियन ट्यूब्स. गुड, वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट, एंड फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब। सबने लिखना है, टीचर्स प्लीज चेक, यस। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेम द यूरिनो जेनिटल डक्ट, यूरिनो मीन्स यूरिन, जेनिटल मीन्स गैमीट्स, डक्ट मीन्स विच कैरी इन ह्यूमन मेल्स, मैम पेनिस. इट इज पेनिस, बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, डैश स्टेज ऑफ एम्ब्रियो मूव्स इन द यूट्रस, मोरिंडा. इट इज मोरूला, वेरी गुड, मोरूला मूव्स इन यूट्रस एंड विच स्टेज इज इम्प्लांटेड, कौन सी स्टेज? मोरूला मूव, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट. वेरी गुड, ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड, वेरी गुड, एवरीबडी राइट डाउन, मोरूला मूव्स इन द यूट्रस, मोरूला इज फॉर्मड इन द फेलोपियन ट्यूब्स एंड मूव्स इन टू यूट्रस, ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, ओके, चले आगे। चलिए जल्दी से लिखिए रीजनिंग क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन इफ टेस्टिस स्क्रोटम में ना हो कि अब्जमन में रह जाए, अब्जमन मीन्स हमारे अंदर ही रह जाए, लिखो फटाफट से। स्पर्म्स, अगर स्पर्म्स में टेल ना हो, अगर सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं होंगे, और अगर वास डेफरेंस को हम टेस्टी से देखो जरा, ये टेस्टीज है,
ये वास डेफरेंस है। अगर हम इसको यहां से कट कर दें वास डेफरेंस को, अगर ये कट हो जाए यहां पे, इसको हम बांध दें, तब क्या हो? देखो फटाफट से, राइट डाउन आंसर्स इन योर रजिस्टर्स। स्पेलिंग ठीक करने हैं, टेस्टीज, TESTES। एट सी, एट सी कहां पर बैठी है? जल्दी से हाथ खड़ा करो बेटा, जल्दी से। एट सी, ओके, एट ई में बैठी है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई एम इनवाइटिंग गौरिश, गुरवीर एंड जशन, जशन टू। गौरिश, गुरवीर, जशन टू, हाँ जी, डिफरेंट सेक्शंस में से आ रहे हैं, ओके। पहले एट ई वाला बताएंगे, यस, एट ई वाले पहले बताएंगे, फिर हम आगे काम करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमन? यस बेटा, स्पर्म स्पर्म्स विल गेट किल्ड, है ना? स्पर्म्स बनेंगे तो सही, बट हाई टेम्परेचर पे मर जाएंगे, राइट? सो राइट डाउन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो सीट पे, स्पर्म्स थोड़ा सा ठीक करना है, गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑफ एट सी इन सेक्शन एट ई, हां जी बेटा बोलिए। स्पर्म्स आर विदाउट टेल, व्हाट विल हैपन इफ स्पर्म्स डू नॉट हैव टेल? कैन Yes, they cannot move. So, very good. बैठो बेटा। Tailless sperms are abnormal. Cannot move and cannot fertilize egg. पहुंचेंगे ही नहीं, ये एग तक मूव ही नहीं कर सकते, तो हाउ विल दे रीच अप टू द एग? ठीक है, एट्थ जी में देर इज वन स्टूडेंट, यस, देर आर नो सेमी, इफ देर आर नो सेमिनल वेसिकल्स, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, जरा हेलो बोलो। हाँ अब बोलो, हाँ There are no final solutions. तब क्या होगा? अगर सेमिनल, इधर सामने देखो, सामने देखो, कॉपी छोड़ दो,
सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में ना हो तब क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लूइड फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स. सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है? दे सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड इन विच द स्पर्म्स स्विम. बैठो बेटा. सो राइट डाउन, नो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. अगर ये नहीं है देन इसका आंसर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, है ना. इसका रीजन असर्शन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है या 2 मार्क्स में. नो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड. नो न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स एंड ड्यू टू विच स्पर्म्स डाई. मेल में ही मर जाएंगे स्पर्म्स. इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन द स्पर्म्स डाई. देन सेवंथ डी, भव्य. सेवंथ डी कहाँ पे बैठे हैं? सेवंथ डी के भव्य है. आधा बेटा जल्दी से क्विकली. इफ वास्ट डिफरेंस, ये मैंने आपको कट करके दिखाया है. इफ वास्ट डिफरेंस आर कट फ्रॉम द टेस्टिस व्हाट विल हैपन? मैम, स्पर्म्स विल नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ टेस्टिस. वेरी गुड, स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू मूव आउट ऑफ टेस्टिस. वेरी गुड, बैठो बेटा. स्पर्म्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ टेस्टिस. देन सेवंथ डी वंश. सेवंथ डी वंश कहां पर है? वंश आ जा बेटा. सेवंथ, मैं सेवंथ कह रही हूं, आई एम सॉरी, एट्थ ई, एट्थ डी वंश. आ जा बच्चे. हां जी. इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन, व्हाट इज ओव्यूलेशन? टेल मी. ओव्यूलेशन क्या होता है बेटा? हाँ जी, वंश आता है कि नहीं? चलो बैठो आप. एट्थ ई, एट्थ ई में बेटा दमन जोत. एट्थ ई दमन जोत. बेटा टेल मी व्हाट इज ओव्यूलेशन, फर्स्ट टेल मी. प्रोसेस रिलीज ऑफ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन? देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. नो ओव्यूलेशन मीन्स, राइट डाउन, इट मीन्स एग इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एंड देयरफॉर नो फर्टिलाइजेशन. अगर एग रिलीज ही नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचेगा ही नहीं, तो हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स? देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. Gracias.
ओके नेक्स्ट, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस. डिफाइन मेटामॉर्फोसिस क्विक. और बेटा एक ये भी लिख लेना, ये आप अपनी बुक से देख के बनाओगे. ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. ये बेटा मुश्किल नहीं है. फ्रॉम योर बुक मैं रीजनिंग क्वेश्चंस करा देती हूँ. ये अपने डायग्राम्स फ्रॉम योर बुक, ड्रॉ इट इन योर कॉपी. आवाजें नहीं, आवाजें नहीं. एट एफ, एट एफ तो सोनाक्षी. एट एफ सोनाक्षी, अनदर इज गुरप्रीत. सोनाक्षी, गुरप्रीत, हतेश चौधरी, सहजदीप एंड तरनदीप. आई थिंक चार ही चाहिए हमें सहजदीप तक. तरनदीप से आगे पूछेंगे. चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेटामॉर्फोसिस क्विक. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इंटू एन अडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज. वेरी गुड, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज ऑफ लार्वा इंटू अडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. लिख लो, एवरीबडी शुड राइट. आता भी है दोबारा से लिख लो. चेंज ऑफ लार्वा इंटू अडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेम हॉर्मोन्स विच कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स. थायरॉक्सिन थायरोक्सिन इन फ्रॉग्स, एंड व्हाट अबाउट इंसेक्ट्स? हार्मोन्स यस, एम इंसेंट हार्मोन्स. वेरी गुड, इट इज इंसेक्ट हार्मोन, सिंपल इंसेक्ट हार्मोन. इन इंसेक्ट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड एडल्ट? एक हमने यहाँ पे क्या साइज देयर इज डिफरेंस इन साइज. टैडपोल तो चलो ठीक है. और बताओ बेटा, टैडपोल कहाँ पे रहता बच्चे?
लैंड पे कि वाटर में? अंडर वाटर। तो सबसे पहले क्या वाटर सबसे पहले आपने क्या लिखना है? दैट टैडपोल इज एक्वेटिक एंड दिस इज एम्फीबियस। एम्फीबियस का क्या मतलब है? एम्फीबियस तो मीन लैंड और ही वाटर दोनों पे रहते हैं। लिव्स इन लैंड एज वेल एज वाटर। सेकेंड थिंग, टेल किसमें है? टैडपोल में कि एडल्ट में? टेडपोल टैडपोल में टेल प्रेजेंट। मैं ऐसे लिख रही हूं बट यू हैव टू राइट प्रेजेंट एंड हियर टेल एब्सेंट। लिम्स, टांगे किसमें प्रेजेंट? एडल्ट में कि टैडपोल में? एडल्ट एडल्ट। सो लिम्स प्रेजेंट एंड हियर लिम्स एब्सेंट। ये कैसे मूव करता है देन? फिन्स, फिशेस की तरह जो फिन्स है। फिन्स प्रेजेंट एंड हियर फिन्स एब्सेंट। रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? जल्दी से टेल मी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? हेड पोल्स के अंदर गिल्स होते हैं, एंड फ्रॉग्स में? फ्रॉग्स लंग्स। में लंग्स है, बिल्कुल ठीक है। मैं इधर लिख रही हूं, ब्रीद बाय गिल्स। एंड एडल्ट, ब्रीद बाय लंग्स। एंड इन विच एडल्ट और टैडपोल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट? दोनों में कि किसी एक में? आई मीन अडल्ट। यस, अडल्ट में। लार्वा में तो सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट एंड हेयर। सेक्स ऑर्गन्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक और आ सकता है। राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन। व्हाट आर द चेंजेस? व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग? व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग? हाँ जी बेटा, 8th F में जो स्टूडेंट खड़ा है, जल्दी से बता दो, आपको पता चल रहा है अभी क्या चीज बन रही है और क्या चीज गायब हो रही है? टेल मी। टेल जा रही है मैम, यस, लेग्स भी। फर्स्ट इज देयर इज डिसअपियरेंस ऑफ, ब्रेकडाउन ऑफ टेल, ब्रेकडाउन ऑफ फिन्स। गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय लंग्स। अपियरेंस ऑफ लिम्ब्स एंड मैच्यूरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। लिख लो एवरीबडी, टेल डिसअपियर्स, फिन्स डिसअपियर, गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय लंग्स। गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय लंग्स। फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब्स एंड मैच्यूरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब्स एंड मैच्यूरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यस, नाउ अब आ जाइए। आई होप मैंने एक और से पूछना था, दैट इज 8th G में से ही आ जाइए। परमवीर, परमवीर देखो, बच के बेटे बच के, आराम से। परमवीर यस।
हाँ जी, टेल मी, नेम द लार्वा इन बटरफ्लाई, कैटरपिलर कैटरपिलर। लार्वा, वेरी गुड, बैठो बेटा, इट इज कैटरपिलर लार्वा। ये लिख लो, ये आपने ड्रॉ करना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट ऑल, ये आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डू इट इन योर क्लास और एट योर होम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर क्विकली, फटाफट। There is in. पहले इनको लेबल करना है, फर्स्ट मैं बता देती हूँ, दिस इज अमीबा, पेरेंट अमीबा, दिस इज पेरेंट अमीबा, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, एट्थ जी में से आ जाना मेरा, मेरे पास आएंगे बेटा अनवी, सिमरन, देवांश, अनवी, सिमरन एंड देवांश, यस, एट जी, अनवी बेटा मुझे बताओ, व्हाट इज अकरिंग इन दिस सेकंड स्टेज, ऑन करो पहले, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज पे हम क्या लिखेंगे, पेरेंट अमीबा है, क्या आएगा सेकंड स्टेज पे, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या स्ट्रक्चर है बेटा, ये बता दो मुझे, या ये क्या है, ये सेंटर में, इट इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ऐसे, ये लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, इट इज इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइडिंग भी हम कह सकते हैं, इलोंगेशन और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हां जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, थर्ड स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये, लिखो, स्टार डालो, केस स्टडी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये भी बता दो, सेम स्टूडेंट बट यू कैन से हियर, या कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट खड़ा है वही बता दो, हाँ, क्या बनेंगे, दो क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा, अगर आपने ये बोला है तो यही ठीक है, दीज आर डॉटर अमीबा। सबने क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रॉ
बाइनरी फिशन इन अमीबा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन अमीबा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एट्थ जी में से ही हरसिमरन मंजोत एंड मानव, हरसिमरन मंजोत एंड मानव। लेट आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, स्टूडेंट आया, चलो पहले ऑन करो और आइडेंटिफाई। मैंने अभी अभी बताया कौन सी टाइप की ये रिप्रोडक्शन है अमीबा में। तो एसेक्सुअल तो है, और क्या नाम है इसका? बाइनरी फिशन। वेरी गुड, दिस इज बाइनरी फिशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, व्हाई इट इज कॉल्ड सो मतलब व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, बाइनरी का क्या मतलब है? इसको बोल ले दो, इसको बोल ले दो बेटा, और नहीं कोई बोलेगा। यस, बाय का क्या मतलब होता है? व्हाट इज बाय? यूनि, बाय, ट्राई, टेट्रा, बाय का क्या मतलब? बी आई, बाय का क्या मतलब है? बायो बाय मतलब, बाय देयर ओन बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, आपके साथ में स्टूडेंट है जिसका हाथ खड़ा है, वो बताएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन बिकॉज़ द अमीबा डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर डॉटर सेल, बिल्कुल ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन बिकॉज वन पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। बेटा बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। जिसको नहीं पता ब्रैकेट में लिख लो, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। कर लोगे? मुझे सिर्फ नाम बताओ इसका। यस, एट थे, एनी स्टूडेंट टेल मी द नेम बाय विच द हाइड्रा। आ जाओ, जिसको पता है आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाय बडिंग, वेरी गुड। और इसको एक्सप्लेन करना है बाय डायग्राम्स। लिख लो यहाँ पे, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स बाय बडिंग। बातें नहीं, बातें नहीं, इट इज बाय बडिंग। ठीक है जी, और इसका डायग्राम्स लिख लो, डायग्राम ऑफ बडिंग इन हाइड्रा यू हैव टू डू। लिख लो, राइट आउट द क्वेश्चन। डिफरेंस इन ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल्स, राइट डाउन। ये आपको पता ही है सबको, ओविपैरस एग लेइंग, विविपैरस विच गिव बर्थ। ये आंसर मुझे बता दो बस लास्ट। ओविपैरस मींस एग लेइंग। एग्जाम्पल जरूर देनी है। फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, विविपैरस गिव बर्थ टू बेबीज। एग्जाम्पल है व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, ये सब वीपी फेरस। डिफरेंस इन एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड बर्ड्स, हु विल टेल मी? यस, कौन बता रहा है? एट्थ बी में से, हु विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ओवी फेरस है, दोनों अंडे दे रहे हैं, फ्रॉग्स भी बर्ड्स भी, व्हाट इज द डिफरेंस?
एट्थ बी में से एनी स्टूडेंट एट्थ एफ में से एट्थ एफ में आई कॉल, बच्चे थोड़े से सुस्त हो जाते हैं एट्थ में आके। एट्थ एफ में से आ जाइए बेटा, मैं कॉल तन्वी, एट्थ एफ तन्वी। एब्सेंट। एब्सेंट है। एट्थ जी में से आ जाइए बेटा, नितिन, एट्थ जी नितिन। किसी को पता है एट्थ ए में से? यस, एट्थ ए में से एनी स्टूडेंट। हाँ आओ बताओ। हाँ The eggs of frogs are protected by a jelly-like substance, whereas the eggs of birds are protected by a shell. और बेसिक डिफरेंस बताइए। यस एट्थ एफ, देयर इज वन स्टूडेंट। हाँ जी एट्थ एफ में से। हाँ metamorphosis. और एनी अदर? मैम, दी एग्स ऑफ फ्रॉग्स डू नॉट हैव योक, वेयर एज एग्स ऑफ बर्ड्स कंटेन योक। हाँ बेसिक नहीं पता चल रहा है, और बताइए आप बैठो। यस एनी अदर आंसर्स तो आपने बहुत सारे बता दिए, बट जो मैं सुनना चाहती हूँ वो सुनना चाहूंगा। यस दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट कि एग्स ऑफ फ्रॉग्स दे ले, फ्रॉग्स लिखो यहाँ पे, फ्रॉग्स ले अनफर्टिलाइज्ड एग्स। रेड एज बर्ड्स दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स। मेन डिफरेंस ये है, इसके एग्स अनफर्टिलाइज्ड है, जाइगोट नहीं है इसमें, उसमें जाइगोट है। और बाकी सेकेंड डिफरेंस आपने बताया है, कवर्ड बाय जेली। थर्ड बाय शेल एंड थर्ड इज लेस योक। है तो सही, और यहां पे लॉट ऑफ योक। बट मेन डिफरेंस ये। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक दिन हम और लगाएंगे टू रिवाइज अदर क्वेश्चंस। ओके ठीक है, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखना, बिल्कुल देखना कि वो यहाँ पे है।